करनाल में इंडियन नेशनल लोकदल ने किसानों को अपना समर्थन दिया है। करनाल के जिला सचिवालय के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों के बीच इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव एवं एलानाबाद से विधायक अभय सिंह चौटाला पहुंचे। इस दौरान चौटाला केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि अध्यादेशों के खिलाफ चल रहे किसानों के धरने में किसानों के साथ बैठे। इस अवसर पर उन्होंने धरने प्रदर्शन को संबोधित करते हुए मौजूदा सरकार पर कड़े प्रहार भी किए। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने अध्यादेश को लाकर किसानों को गुलाम बनाना चाहती है, इसलिए इन अध्यादेशों का विरोध करना और भी ज्यादा आवश्यक हो जाता है। इस अवसर पर उन्होंने लघु सचिवालय पहुंचकर जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव को मुख्यमंत्री मनोहर लाल एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए अभय सिंह चौटाला ने कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हमेशा किसानों की हितेशी रही है और समय समय पर किसानों के हकों की लड़ाई पूरे जोर शोर के साथ लड़ती रही है। इसी कड़ी में आज करनाल पहुंचकर सरकार को चेतावनी देने का काम किया है कि अगर सरकार अध्यादेश वापस नहीं लेती तो इंडियन नेशनल लोकदल आगामी दिनों में बड़े स्तर पर आंदोलन प्रारंभ करेगी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार पंजाब के नेता प्रकाश सिंह बादल, जो किसान हितेशी रहे हैं, उन्होंने इन अध्यादेशों के खिलाफ अपना समर्थन वापस लिया है, वो बेहद ही प्रशंसनीय है। उन्होंने आह्वान किया कि पंजाब में जब भी किसानों के हितों की लड़ाई के लिए प्रकाश सिंह बादल को इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता की जरूरत पड़ेगी तो वह हमेशा तत्पर मिलेंगे। चौटाला ने यह भी कहा कि सरकार घोटालों की सरकार है, जिसने पिछले 9 महीनों में 9 घोटाले किए और अब 10वें महीने में और एक नया घोटाला सामने आया है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान सरकार शराब तस्करी का कार्य अपने आदमियों से करवाती रही। इस मौके पर इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय सचिव प्रकाश भारती, जिला अध्यक्ष यशवीर राणा, किसान नेता फूल सिंह मजूरा, जयपाल पुनिया व राजकुमार एबला समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। करनाल से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस और ये तस्वीरें आप लघु सचिवालय की देख रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से 3 अध्यादेश के खिलाफ आज जिला मुख्यालय पर ज्ञापन दिया जा रहा है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के नेता अभय सिंह चौटाला इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग लघु सचिवालय पहुंचे हैं। चौधरी अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में बड़ी संख्या में इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता यहां पहुंचे हैं जिला सचिवालय पर ज्ञापन देने के लिए। कि अभी हमने वहां पे सारी बातों का खुल करके जिक्र किया और जिक्र करने के बाद ये तय किया था कि हम सारे के सारे साथी डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के सामने जाकर के हजारों लोगों की जो भावनाएं हैं उनको एक मेमोरेंडम के माध्यम से अवगत कराने का काम करेंगे। हम अब अपना मेमोरेंडम डिप्टी कमिश्नर को देने के लिए आए हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि डिप्टी कमिश्नर जो है इन किसानों की आवाज को, इन किसानों की भावनाओं को, मेमोरेंडम जो हम इनको देंगे उसको प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे, मुख्यमंत्री को भी हमारी भावनाएं पहुंचाने का काम करेंगे। एक एक दाना सरकार MSP के ऊपर उस किसान का खरीदने का काम करे और वहीं जिस किसान की नरमे और कपास की खेती जो हरियाणा प्रदेश के 8 जिलों में होती है, जहां पूरी की पूरी खेती आज सफेद मक्खी की चपेट में आकर के खत्म होगी, हमने उसमें अपने मेमोरेंडम में लिखा है कि उन 8 जिलों के किसानों की जमीनों की स्पेशल गिरदवारी करवा करके उनको मुआवजे के रूप में 50,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से सरकार तुरंत देने का काम करे। वही में उसमें यह भी लिखा है कि जहां पे ज्यादा बारिश की वजह से, ओलावृष्टि की वजह से, सूखे की वजह से किसान की फसल खराब हुई उसका मुआवजा भी उसको तुरंत, जहां हमारे से मेमोरेंडम लेने का काम करेंगे वहीं इस मेमोरेंडम को प्रधानमंत्री को भी पहुंचाने का काम करेंगे
और प्रधानमंत्री के साथ साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री तक भी हमारी भावनाओं को पहुंचा करके हमारे जिला के प्रधान को अवगत कराएंगे कि हमने आपने जो अपनी भावनाएं हमारे सामने व्यक्त करी वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों तक पहुंचाने का काम किया है। अब मैं यहाँ जो अधिकारी पे खड़े उनसे कहना चाहूंगा कि आगे डीसी साहब, चलो बहुत बढ़िया किया कि आप बहुत देर से किसान खड़े लगातार अपनी बात कह रहे थे, क्योंकि इनको भी जाकर के अपने खेतों की फसल को काट करके ले आकर के बाजार में बेचना है। इस सरकार ने तो कहीं किसी किस्म से किसान की मदद नहीं करनी, लेकिन हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आपकी मंडी भी आज जो है धान से भरी हुई पड़ी है, करके उस किसान की फसल को उठवाने का काम करो ताकि किसानों का विश्वास सरकार पे नहीं बल्कि अधिकारियों की तरफ बढ़े कि हमारे अधिकारी कम से कम जिनको सरकार ने हमारी सेवा में लगा रखा है वो अधिकारी हमारे बीच में आकर के आज उस दायित्व को निभाने का काम कर रहे हैं जो सरकार की जिम्मेवारी है। ये सरकार निकम्मी है, इस सरकार से कोई इस किस्म की उम्मीद हम नहीं कर सकते कि वो किसी की बात को सुन सकेंगे। आज इसीलिए मजबूर होकर के आपके गेट के सामने जो पीटीआई के अध्यापक 1800 कुछ थे जो बर्खास्त कर दिए गए, जिनको निकाल दिया गया, आज लगातार कितने दिन से धरने पे बैठे हैं। अगर सरकार में थोड़ी सी भी काबिलियत होती, अगर सरकार में थोड़ी सी भी इस बात की चिंता होती कि हमें कैसे अपने प्रदेश के लोगों का भला करना है, तो फिर आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। मैं लगातार पिछले 6 वर्ष से देख रहा हूँ कि आपके करनाल के सेक्रेटरी के सामने कोई ना कोई वर्ग के लोग आकर के सरकार के खिलाफ धरना और प्रदर्शन करते हैं। ये गूंगे बहरे लोगों की सरकार है। इस सरकार को चेताने के लिए आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता अपना काम काज छोड़ करके हजारों की संख्या में आपके बीच में आकर के आपसे उम्मीद करता है कि आप इनकी भावनाओं को पहुंचाओगे और इनके धान की खरीद को जल्दी से जल्दी कराओगे। इसी के साथ मैं आपको ये मेमोरेंडम की कॉपी दे रहा हूँ। मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये मेमोरेंडम की कॉपी हमारी पहुंचाने का काम करोगे। आपका धन्यवाद। हमने सबसे पहले जैसे जून के महीने में ये अध्यादेश लाए गए इस लॉकडाउन में, इस लॉकडाउन की आड़ में कि लोगों को इस बात का पता ना चले, भड़क ना मिले, लॉकडाउन की आड़ में चुपचाप अध्यादेश ला करके किसान को कैसे मारा जाए इसकी योजना केंद्र की सरकार ने बढ़ाई और प्रदेश की सरकार ने इसके ऊपर मोर लगाने का काम किया। साथियों, जो अध्यादेश ये लेकर के आए, हमने 22 के 22 जिलों किसानों के साथ कार्यक्रम बना करके हम उम्मीद करते हैं कि लोगों की भावनाओं के मुताबिक सरकार इस पर पुनर्विचार करे। अगर कोई पुनर्विचार सरकार ने नहीं किया, इस देश का अन्नदाता अपने फिर घर में चैन से नहीं बैठ पाएगा। फिर 100% सरकार को मजबूर करने के लिए अपना देश का जो पहरेदार है, जो जवान है, वो भी सरकार की गलत पॉलिसी की वजह से दुखी और परेशान है। आज उस जवान को जहाँ सरहद की चिंता है, वहीं उसको अपने खेत की, अपने बाप की, अपने बच्चों की, अपने भविष्य की भी चिंता है। ये सरकार ऐसा कोई फैसला ना ले जिसकी वजह से उस पहरेदार को भी कुछ ना कुछ अपने भविष्य के लिए, अपने देश के लिए कोई और कदम उठाना। श्रोमणी अकाली दल ने गठबंधन वापस ले लिया, आपको लगता है जेजेपी भी लेगी? श्रोमणी अकाली दल जो है वो सरदार प्रकाश सिंह बादल की पार्टी है और बादल साहब आज इस देश के अंदर अगर किसान की कोई बात करने वाला है तो या तो पहले चौधरी छोटू राम होते थे, जो सर छोटू राम की उपाधि से नवाजे गए थे, उसके बाद अगर किसान की किसी ने सूद ली तो चौधरी चरण सिंह ने ली, फिर किसान मसीहा के रूप में अगर किसी ने काम किया इस प्रदेश में, देश में, तो उस शख्स का नाम चौधरी देवीलाल था। आज अगर किसान का किसी को हितेश इस देश में माना जाता है तो सरदार प्रकाश सिंह बादल का नाम सबसे पहले पंक्ति में आता है। सरदार प्रकाश सिंह बादल जी ने आज न केवल अपने पुत्रवधू को ये कह करके कि आज किसान के खिलाफ सरकार गलत निर्णय ले रही है, हम इस सरकार का पार्ट नहीं रहेंगे, इस्तीफा दिलवाया, वहीं उसके साथ साथ आज क्योंकि बीजेपी को इस बात का घमंड है कि उनके पास पूर्ण बहुमत है,
इसलिए शायद अपने सहयोगियों की अनदेखी कर रही है। तो जिस तरह से आज उन्होंने अपना समर्थन वापस लिया, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और श्रोमणी अकाली दल ने मिलकर के हरियाणा में चुनाव लड़ा, हम एक दूसरे के सहयोगी हैं। मैं उनको इस बात के लिए बधाई देता हूं और उनसे ये भी आपके माध्यम से कहता हूं कि कोई पंजाब के अंदर किसी भी तरह की किसानों की लड़ाई आपने लड़नी है, हम एक एक साथी हमारा उनके साथ खड़ा होगा। हम संयुक्त रूप के अंदर देश के अंदर अगर किसानों के लिए कोई बड़ा एजिटेशन खड़ा करना पड़ा तो इस करनाल की धरती पर चौधरी देवीलाल ने और प्रकाश सिंह बादल ने, एक बार कांग्रेस ने एक रुपया गेहूं का बढ़ा करके किसान को अपमानित किया था, उस वक्त ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने आंदोलन शुरू किया और उसके बाद सरकार ने उठा करके उनको जेलों में बंद कर दिया। लेकिन उन्होंने जेल जाना पसंद किया, किसान के आगे सरकार के आगे झुकने के बजाय किसान के साथ न्याय कराने का काम किया। हम किसान को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक चैन से नहीं बैठेगा। हरियाणा की सत्ता में आती है क्या फर्क पड़ेगा सर? किसान आपसे क्या उम्मीद रख सकते हैं अगर इनेलो की पार्टी सत्ता में आती है? तो हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो सबसे पहला काम ये होगा कि किसान के ऊपर जो कर्ज है, आज हमने अपनी मैनिफेस्टो में वायदा किया था कि हम किसान का कर्जा माफ करेंगे। कुछ ऐसे लोग भी आज सत्ता में हैं जिन्होंने लोगों से वायदा किया था कि हम कोऑपरेटिव बैंक का जो कर्जा किसान के ऊपर है पहली कलम से माफ करेंगे। आज कहाँ गए वो लोग जो इस तरह के वायदे करते थे, जो ये कहते थे 5100 रुपये बूढ़ों को पेंशन देंगे, जो ये कहते थे कि हम चौधरी देवीलाल की नीतियों का आगे बढ़ाएंगे। आज उन लोगों ने कुर्सी के लिए सारी की सारी बातों को जहाँ धत्ता बता दिया, वहीं चौधरी देवीलाल को भी उन्होंने गिरवी रखने का काम केस बीजेपी के। लेकिन हम चौधरी देवीलाल को किसी के गिरवी रखने नहीं देंगे, हम चौधरी देवीलाल के उस आदर्श को फिर आगे बढ़ाएंगे जो उनकी एक सोच थी, उनकी सोच को आगे लेकर। जो धान की खरीद की बात कह रहे थे कि हम कल से कह रहे थे हम खरीद शुरू कर देंगे, परसों से 26 तारीख से, आज 28 तारीख होगी, आज भी मैं पांचों मंडियों, जो चार मंडियों में इन्होंने कहा था कि हम धान खरीदने जा रहे हैं, उन चारों मंडियों की जानकारी लेकर के आया। मैंने बकायदा सेक्रेटरी के ऑफिस में मार्केट कमेटी के जा करके लोगों से पता करवाया कि पूछ के आओ कितना कितना धान कौन कौन सी मंडी में खरीदा गया। अंबाड़ा की मंडी में एक दाना धान का अब तक नहीं खरीदा गया। आपके करनाल में 415 दुकान है मंडी के अंदर और दो दुकानों के ऊपर कल केवल 150 बैग धान के खरीदे गए, जबकि हजारों बैग जो है आज भी धान के पड़े हैं, ढेर लगा पड़ा है, मंडियाँ भरी पड़ी है। इसी तरीके से कुरुक्षेत्र की मंडी के अंदर 115 बैग वो भी सुधा जो MLA उसके भाई की दुकान से खरीदने का काम किया है, वहाँ तो उन्होंने ताला ला दिया उसके मार्केट उसके इलायदा। कैथल का भी यही हाल है, कैथल में भी एक दाना नहीं खरीदा। आज सारे व्यापारी और सारे जो आपके किसान जो है, आड़ती भी, सेलर वाले भी और किसान भी, तीनों के तीनों आज स्ट्राइक पे हैं, सारी मंडियों के ताले। मध्यावधि चुनाव हो सरकार की केवल गलत पॉलिसी की वजह से आज इस किस्म के निर्णय लोगों को लेने पड़ रहे हैं। आपको लगता है बीच में चुनाव देखा जाए? चुनाव तो हो जाए तो इनको ऐसा सबक मिलेगा। बड़ौदा के अंदर आप देख रहे हो लगातार किस तरह से सरकार के नुमाइंदे जो हैं जाकर के लोगों को धमकाने का काम कर रहे हैं, वहीं आज उन लोगों को बहुत बड़े विरोध का सामना करना पड़ता है, लोग गांव में घुसने नहीं दे रहे। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, तारीख होने के बाद लोग इनके जूतों की माड़ों से स्वागत करेंगे। ये थे अभय सिंह चौटाला जी, यहाँ पर 3 अध्यादेश के खिलाफ ज्ञापन देने के लिए पहुँचे थे। जिला उपायुक्त से मिलकर उन्होंने ज्ञापन सौंपा और किसानों की समस्याओं को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का बात कही। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.